प्रदीप हीरे अपडेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। मैं कुछ लास्ट टाइम का कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे 1 घंटे का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा उस तरह से आपको करना है। अब देखो, लास्ट टाइम में एग्जाम से जाने के पहले या आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ए और बी, आपको पता है कि वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई मतलब वो रॉन्ग पेयर वाला क्वेश्चन है। ये दोनों अगर आपका अभी भी नहीं अच्छे से हुआ होगा तो उसको पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है। देन क्वेश्चन नंबर 2A में यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप है, ये फटाफट आप टेलीग्राम में हमने दिया है, इस कॉन्सेप्ट मैप को जल्दी जल्दी आप अभी देख डालो सुबह के टाइम पे। शॉर्ट नोट जो है फटाफट एटलीस्ट आप आधे लेसन का, पूरा नहीं हो रहा है ना, पूरे के पूरे 9 लेसन का नहीं हो रहा है, 9 में से तो 2 आपका कमी है, 7 का नहीं हो रहा ना, 4 का कर लो, कोई भी 4 का फटाफट कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे ग्यू रीजन है, ग्यू रीजन का भी सेम मेरा सजेशन, अगर आपसे नहीं हो रहा तो 4 या 5 लेसन का आप ग्यू रीजन कर लो, वो भी नहीं हो रहा है रीड कर लो। देन उसके बाद ये पैसेज, दोस्तों पैसेज का प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप एक पैसेज का प्रैक्टिस कर लो, आपको इसके आंसर वहां पे लिखने आएंगे। देन उसके बाद डिटेल, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाया था, अगर डिटेल क्वेश्चन में मेरा सजेशन है कि लास्ट के जो लेसन है, जो स्पोर्ट्स वाला लेसन है, टेलीविजन का लेसन है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स है, ये सब जो लेसन है, जो इन जनरल लेसन है, उसको आप अच्छे से कर लो, वो सबका आप एक बार क्या कर लो, अगर आप अच्छे, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपने तो पढ़ लिया होगा, तो फटाफट रिवाइज कर लो, 5 बज रहे हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। और अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपका अभी भी सब कुछ बाकी है तो एटलीस्ट 2-3 लेसन का या 4 लेसन का रिवाइज कर लो, लक अच्छा रहा तो अगर उसमें से ही आ गया दोनों तो आप, क्योंकि 4 आएगा उसमें से 2 लिखना है, तो एक कोशिश करो यहां से 2-3 लेसन का कर लो, पीछे के 1-2 लेसन का कर लो, हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको एमसीक्यू रहेगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या रहेगा, रीजन। देन क्वेश्चन नंबर 8 में कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पे रहेगा। कॉन्सेप्ट मैप में आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया होगा, जस्ट आपको पता है ना कॉन्सेप्ट मैप कल उसके ऊपर बहुत सारा कराया गया, आपको डायग्राम के फॉर्म में साथ में लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ आंसर, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप 2 लेसन का, फर्स्ट वाले का कर लो, लास्ट वाले का कर लो, या फर्स्ट एंड थर्ड का कर लो, पर कर लो, कोई भी 2 का कर लो, देखो आपको वहां पे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मेरी बात याद रखो, अभी भी बहुत टाइम है, लग जाओ पढ़ाई पे, और 6 बजे अपना लाइव सेशन होने वाला है, 6 बजे एकदम धूमधाम से हम लाइव सेशन में सब कुछ रिवाइज फटाफट कराते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको सिस्टमेटिक समझा होगा, और आप अपने पढ़ाई पे लग जाओ, 6 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।